सुमन जी, जो मामला था 6 साल से कम उम्र बच्चों को एडमिशन का दाखिल की थी, क्या आदेश कोर्ट के आए हैं और कितने बच्चों को अब इसमें हिमाचल प्रदेश में फायदा होगा? सर, फर्स्ट ऑफ ऑल वी एक्सटेंड आवर डीपेस्ट ग्रेटिट्यूड टू दी ऑनरेबल हाई कोर्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश, जिन्होंने थाउजेंड्स ऑफ पेरेंट्स की इस प्रॉब्लम को समझा। इशू ये था कि जो पेरेंट्स थे अक्रॉस द स्टेट, उनके 5-6 साल से जो कम आयु के बच्चे थे, उनको शैक्षणिक सत्र 2024 और 25 में सरकार ने प्रमोट करने से मना कर दिया था और हवाला दिया गया था कि जो नई शिक्षा नीति है उसके तहत हम ये काम कर रहे हैं। इसके रिगार्डिंग हम सरकार को रिप्रेजेंटेशन भी दिया और जब अल्टीमेटली फिर हमें एक जनहित याचिका इसमें दाखिल करनी पड़ी। इसमें कोर्ट का कल निर्णय आया है। इसमें कनेक्टेड मैटर्स थे, 7-8 के करीब कनेक्टेड मैटर्स थे और इसमें अप्रॉक्सीमेटली स्टेट में करीब 50,000 स्टूडेंट्स को रिलीफ मिला है। कोर्ट ने हमारी सारी बातों को माना और उन्होंने इस चीज़ का संज्ञान लिया कि जो बच्चा ऑलरेडी एजुकेशन सिस्टम में एनरोल्ड है, आप उसको रोक नहीं सकते। अगर आप उसको फर्स्ट क्लास में प्रमोट होने से रोक रहे हैं तो आप उसके फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन कर रहे हैं और सेंट्रल जो नई शिक्षा नीति है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, उसका मैंडेट भी है द पॉलिसी हैज़ टू बी इम्प्लीमेंटेड इन अ फेज्ड मैनर। आप उसको एक स्मूथ ट्रांजिशन देंगे, उसके लिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने स्टेट गवर्नमेंट को इन्फॉर्म भी किया था, बट देयर वाज नो स्टेप्स वर बीइंग टेकन बाय द स्टेट गवर्नमेंट। तो अब ये डिसीजन आया है विच वी वेलकम होल हार्टेडली और इससे पेरेंट्स और जितने भी जो स्टूडेंट्स हैं उनका एक साल भी बचा है और उनको फाइनेंशियल जो बर्डन पड़ने वाला था, क्योंकि एजुकेशन इज अ हाईली एक्सपेंसिव अफेयर नाउअडेज, तो वो भी उनका पैसा भी बचा है। तो ये डिसीजन आज आया है जिसके लिए हम वी आर थैंकफुल टू दी। 2021 में जो गाइडलाइन जारी की गई थी, क्योंकि आदेशों में ये भी लिखा गया है कि लागू नहीं की गई है, कौन कौन सी गाइडलाइन जारी नहीं की गई है? फिलहाल अगर हम शिक्षकों को लेकर भी बात करें तो नियुक्ति को लेकर भी सवाल जी, इसमें क्या था कि मैंने RTI भी हमने फाइल की थी जिसमें हमने पूछा था कि ECE ट्रेन टीचर्स अक्रॉस द स्टेट में वो रिक्रूट होने थे, अर्ली चाइल्डहुड केयर एजुकेशन में जो टीचर्स स्पेशली ट्रेन टीचर्स थे वो रिक्रूट होने थे। उन टीचर्स को भी सरकार ने, एक भी टीचर्स रिक्रूट नहीं था, उसका ट्रेनिंग नहीं हुई थी, जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर दी विच इज़ रिक्वायर्ड फॉर दी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी वो सरकार के पास नहीं था। तो इन सारी बातों को सरकार ने, ऑनरेबल हाईकोर्ट ने इसका संज्ञान लिया कि ऑन वन हैंड यू डू नॉट हैव एनी प्रिपरेशन और दूसरी तरफ आप कहते हैं कि भाई आपको ये पॉलिसी इसी साल लागू करनी है। तो कोर्ट का भी ओपिनियन है और सेंट्रल गवर्नमेंट का भी ये मैंडेट है, पॉलिसी का मैंडेट है कि पॉलिसी को फेज मैनर में लागू करो, अपने इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करो, टीचर्स को रिक्रूट करो और दूसरी भी जो रिक्वायरमेंट है इसमें, जैसे मिड डे मील स्कीम जो है वो प्री प्राइमरी में इंट्रोड्यूस होनी है, आप उसको इम्प्लीमेंट करो फिर आप इस पॉलिसी को जो है लागू करो। ऐसे कितने केसेस हैं जिसमें UKG को दोहराने की बात की गई थी? देयर आर अप्रॉक्सिमेटली 50,000 स्टूडेंट्स होंगे रफली, क्योंकि हर साल स्टेट में 100,000 के स्टूडेंट एनरोल्ड होते हैं करीब, तो 6 मंथ की रिलैक्सेशन दी गई थी, तो एक रफ आइडिया है कि 50,000 स्टूडेंट्स को रफली पब्लिक एंड प्राइवेट स्कूल्स में इस डिसीजन से रिलीफ मिला है। कुछ ऐसे बच्चे भी हैं जो अभी भी वो फर्स्ट में नहीं हो पाए हैं और उनका काफी नुकसान हो गया, उनके लिए भी कोई बात रखी गई? जो फर्स्ट में, यही मैं कह रहा हूँ कि जो बच्चे फर्स्ट में प्रमोट नहीं हो पा रहे थे उन्हीं के लिए डिसीजन आया हुआ है कि एनी स्टूडेंट हु इज बिलो द एज ऑफ 6 ईयर्स वो अब प्रमोट होगा। डायरेक्शंस दिए हैं डायरेक्टली ऑनरेबल हाईकोर्ट ने स्कूल्स को और सरकार को भी कि उनको अब प्रमोट किया जाए इन द करंट एकेडमिक सेशन, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। आपको इनको ऑलरेडी 6 महीने का सेशन लैप्स हो चुका है, आपको अब प्रमोट इमीडिएटली उन स्टूडेंट्स को फर्स्ट स्टैंडर्ड में करना होगा। और इसकी जो कॉपी है वो मैं बता दूं, क्योंकि स्कूल्स अब माने, मतलब स्कूल्स तक ये डिसीजन जल्दी पहुंचना चाहिए, तो मैं इसका जो हमने PIL फाइल की थी उसका नाम है मोनिका शर्मा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया और ये CPIL नंबर 35/2024 है। तो कोई भी हाई कोर्ट की वेबसाइट से इसको डाउनलोड करके इसको पढ़ सकता है और इसका रेफरेंस देके अपने बच्चों की एडमिशन जो है वो नेक्स्ट क्लास में करवा सकता है। इसमें कोई एज नंबर फिक्स किया है क्योंकि सरकार ने 3 महीने की छूट भी दी थी? इसमें एज जो लास्ट लाइन अगर आप इसको पढ़ेंगे, इसमें कहा हुआ है कि एनी स्टूडेंट हु इज बिलो द एज ऑफ 6 ईयर्स, तो जो भी बच्चा 6 साल से कम है अभी उसको आप प्रमोट करेंगे फर्स्ट स्टैंडर्ड में, तो सब बच्चे इसमें अब प्रमोट हो जाएंगे फर्स्ट क्लास में। नहीं, पहले क्या था कि सरकार ने 6 महीने की रिलैक्सेशन दी थी और सरकार ने उसको 30 सितंबर तक की गाइडलाइन इशू कर दी थी कि 30 सितंबर को जो बच्चा 6 साल का हो जाएगा उस बच्चे को हम प्रमोट कर देंगे, लेकिन 30 सितंबर से मार्च 2024-2025 के बीच में करीब 50,000 बच्चे थे जो प्रमोट नहीं हो रहे थे, उन बच्चों को इसमें रिलीफ मिला है। सरकार ने जो रिलीफ दिया था वो आधी क्लास को दे दिया था एक इन अ वे
कि आधे बच्चों को दे दिया था, आधों को नहीं दिया था, तो वो भी एक आर्बिट्रेरी डिसीजन था जिसको लेकर कोर्ट ने कहा कि भाई आप ऐसे इरेशनल तरीके से पॉलिसी को इंप्लीमेंट नहीं कर सकते। यानी कि अब जो कुल मिलाकर मार्च में भी जो 6 साल के हो रहे हैं वो भी अब इनरोल हो जाएंगे। एग्जैक्टली मतलब जो 6 साल से कम का जो भी बच्चा होगा वो करंट एकेडमिक सेशन में एंड हु हैज क्वालिफाइड द UKG अपर जो किंडरगार्टन क्लास होती है उसने जो क्वालिफाई कर ली वो बच्चा जो है अब ऊपर वाली क्लास में जाएगा, वो फर्स्ट स्टैंडर्ड में जाएगा। सर, गाइडलाइन जारी ना करने पर सरकार को क्योंकि फटकार एक तरह से लगाई गई है, क्या इस पर भी कोई जवाब सरकार की ओर से आएगा? अब देखो, सरकार की तरफ से जवाब तो अब ये तो कोर्ट का डिसीजन आया हुआ है, सरकार की तरफ से सरकार को ऐसे फटकार तो मैं नहीं कहूंगा, लेकिन जो पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन थी वो गलत तरीके से हो रही थी, फेज्ड मैनर में, और एक ट्रांजिशन पीरियड, स्मूथ पीरियड दिया गया था सेंट्रल गवर्नमेंट ने 2021 में, और अभी तक सरकार ने कोई गाइडलाइंस इशू नहीं की थी, तो उससे थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स जो थे अफेक्ट हो रहे थे। तो यही था कोर्ट का डिसीजन। ठीक, थैंक यू।